बहुत सारे लोग अपने अपने गांव, अपना अपना शहर छोड़ के, जो लोग अपने गांव से शहरों में गए थे, अब कोरोना का जब से लॉकडाउन हुआ, वो अपने अपने गांव में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूँ, उन सबसे हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का लॉकडाउन ऐलान किया था, उन्होंने एक लाइन कही थी, जो जहाँ है वो वहीं रहे, और उन्होंने इस लाइन को कई बार रिपीट किया है। मेरे हिसाब से कोरोना के लॉकडाउन का ये मंत्र है, जो जहाँ है वो वहीं रहे। अगर हम इसको लागू नहीं करेंगे कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, तो ये लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता। हम कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, पूरा देश फेल हो जाएगा। कब यह आदेश मिला, क्या कुछ था, क्यों आप बसों में जो है लोगों को छोड़कर के आए? सर, हमें तो 28 तारीख की रात को फोन आता है ट्रांसपोर्ट विभाग दिल्ली सरकार से कि अच्छे अच्छे प्लान करते लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी है और उनसे कोई चार्जेस नहीं लेने हैं, क्योंकि वो लोग वैसे ही बहुत गरीब तबके के हैं और उनके पास अभी ना पैसा, ना खाने को पैसा है, ना कमी है पैसे की, हर चीज़ की। तो हम वहां पर मीटिंग में पहुंचे और हमने उनको बसेस देने का वादा किया। ये देश की सेवा जैसा काम था, मानवता की सेवा थी हमारी नज़र में। और हमने बहुत न्यूनतम भाड़े में उनको 300 से 400 बसें कमिश्नर मैडम को और ट्रांसपोर्ट विभाग को, दिल्ली सरकार को सुनिश्चित कर दी। ये ऑर्डर किसकी तरफ से, मतलब फोन आया था, क्या कुछ था? फोन आया था हमारे को ज्वाइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट का कि आप इस मीटिंग में आइए, और वो उसके बाद हमने गाड़ियां देनी शुरू कर दी। और सुबह हमारी 8 बजे तक वहां पर 200 बसें लग चुकी थी, जिसमें तकरीबन 100 के या 100 से भी थोड़ी ऊपर बसें भर के कानपुर, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, उन्नाव ऐसी जगहों पर निकल भी गई। और उसके बावजूद इनके जो कमिश्नर हैं, हमारे स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, उन्होंने स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिख के कहा कि ये गाड़ियां ना पकड़ी जाएं, ये देश सेवा में या सरकार का सहयोग करिए, सरकार के आदेश पे है। हमने इनके लिए स्पेशल परमिट भी जारी किया है। यह परमिट क्या आपके पास है? बिल्कुल है, कॉपी है ये। सबसे पहले तो उस ऑर्डर की कॉपी है जो इन्होंने हमें दिया कि दिल्ली कंट्रैक्ट बस ये काम करेगी और DTDC का भुगतान करेगी। हमने इनसे इसी पत्र के बाद हमने 300 से 400 गाड़ी कमिट करी।